अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। ईद के बाद ये मेरी पहली वीडियो होने लगी है, तो आई एम वेरी सॉरी कि यार इतना डिले कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से माइक मंगवाया था वायरलेस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे रिकॉर्डिंग करके ट्राई की है, मज़ा नहीं आया। खैर, गोज़ टू शो यू कैन नॉट स्किम्प आउट ऑन इक्विपमेंट। खैर, आप लोगों को तो पता है यार, ईद के दिन बड़े बिजी होते हैं। ईद के दिनों में पोस्टिंग वगैरह तो मुश्किल हो जाती है, ईद के दिनों में भी, लेकिन मैं काम करता रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग का मुझे चांस नहीं मिला। एज यू कैन सी, बुकी मैन पे वाइपर्स लग गए हैं, बुकी मैन हर लिहाज से कम्प्लीट हो गई है, द कार इज़ कम्प्लीटेड। गाड़ी के अंदर एक मुझे छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है और अनकरीब मैंने वो भी सेट कर लेनी, और वो है गाड़ी का एयर कंडीशनर। मेरा मूड बन रहा है बुकी मैन के अंदर AC भी फिट कर देना एंड इसको वन ऑफ अ काइंड K20 बना देना पूरे पाकिस्तान की। वो तो ऑलरेडी बन चुकी है यार, आपने देखा है इसकी ड्राइव्स वगैरह। अगर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि दिस कार ड्राइव्स लाइक एनीथिंग। तो मैंने कैमरा क्रू वगैरह से मैंने प्राप्ता किया है, इंशाल्लाह जल्द यू विल सी अ फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑन द बुगी मैन एज वेल। खैर, आज की वीडियो का मुद्दा ये है कि आपने ईद से पहले देखा था एक K70 का काम स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर हमने रिकारो सीट्स की फिटिंग बनानी थी, साइड मिरर्स का काम था, फ्रंट लिप पेंट होना था, छोटे छोटे उसके बहुत सारे काम थे। बड़ा एक ब्यूटीफुल उस गाड़ी के अंदर 2JZ इंजन स्वाप हुआ हुआ था, लेकिन फॉर अ ब्यूटीफुल इंजन उसकी बाकी चीज़ें भी प्यारी होनी ज़रूरी थी। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े से रोले थे, वो हम सेट करा रहे हैं, एंड उसका इंटीरियर वो सब बनना है। तो एज ऑफ नाउ द कार इज़ इन बिलालगंज, और अभी हम बिलालगंज ही जा रहे हैं, वहाँ पर उस गाड़ी की कंप्लीट रीवायरिंग हो रही है। इंजन वायरिंग नहीं, इंजन वायरिंग तो उसकी कम्प्लीटली सेट थी, उसकी बॉडी वायरिंग दोबारा हो रही है, जो कि इंटीरियर के अंदर बेसिकली आपकी इग्निशन वगैरह स्विचेस वगैरह से वो सारा वहाँ से रिलेटेड है मामला। तो अभी मैं जाके आपको वो सीन दिखाता हूँ। हाय, मेरा नाम है उमर और मैं बनाता हूँ कार रिलेटेड कंटेंट। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे कार रिव्यूज़, कार प्रोडक्ट रिव्यूज़, कार सेल परचेज, कार इंस्पेक्शन, कार रेस्टोरेशन और बहुत सारा ऐसा कंटेंट। गाड़ियाँ मेरे लिए एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक पैशन है, और अगर आप रेगुलरली ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू द नाइटमेयर ऑटोज चैनल, बिकॉज यहाँ पर कॉन्टेंट खत्म नहीं होता। अच्छा, बिफोर आई शो यू द K70, मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ। यार, आप में से बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 1986 करोला का बिल्ड, एंड मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करके बता भी रहे हैं, पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बट बात ये है दैट प्रोजेक्ट इज़ नॉट गोना हैपन। उसकी रीज़न ये है कि ईद से काफ़ी देर पहले ही मैं ओनर को वॉइस नोट्स वगैरह भेज रहा था, बातचीत चल रही थी, मैं बिलालगंज विज़िट करके आया, मैंने पार्ट्स वगैरह देखे, तो उसके बाद मैंने एक वॉइस नोट भेजा। पहले तो उनकी खुद ही मुझे एक दिन बाद कॉल आ जाती थी, वॉइस नोट अगर वो देखते थे तो फौरन मुझे कॉल आ जाती थी, बट फॉर सम रीज़न उन्होंने जवाब नहीं दिया उस वॉइस नोट का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे, मैंने दोबारा वॉइस नोट भेजा तो मुझे दोबारा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ईद के दिनों में उनका एक और मैसेज आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, शायद इंटरेस्टेड होंगे अभी भी। तो मैंने उस मैसेज का रिस्पॉन्स इस तरह ही किया कि आपने मुझे पिछले दो वॉइस नोट्स का जवाब नहीं दिया, आई वॉज रियली कंसिडरिंग कि मैं प्रोजेक्ट करूँ, इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर द चैनल, तो हमारी बातचीत बिल्कुल ख़त्म ही होगी, प्लीज़ टेल मी इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड और नॉट। तो उसका भी मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। बात यह है कि वो ओनर मुझे कहता था कि यार मैं आपके चैनल पे सारी वीडियोस बड़ी रेगुलरली देखता हूँ, तो अगर वो वाकई मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो ये पैगाम उन तक पहुँच जाएगा कि आप, अगर उन्होंने वो प्रोजेक्ट कराना भी है तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि दिस इज़ नो वे कि आप कम्युनिकेट करना ही छोड़ दें। तो ऐट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्शंस ने बताना है इफ़ यू आर वर्थ योर सॉल्ट एंड यूर वर्थ माई टाइम और नॉट। एंड अगर आपने करना यही है कि कम्युनिकेशन एकदम से कट कर देनी है, क्लियरली ये बात भी नहीं बतानी कि यार आई एम सॉरी आई एम नॉट गोना मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, हालात बदलते हैं, लोगों के लिए कभी कभी फाइनेंशियल मुश्किल पैदा हो जाती है, तो जो भी सिचुएशन है मेरे से कम्युनिकेट करें यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ हैविंग एम्पथी। लेकिन ये तरीक़ेकार के आप बिल्कुल रब्ता ही ना करें, बात ही ना करें, ये मेरी इंसल्ट है एंड मेरे काम की इंसल्ट है। तो लिहाजा यू विल नॉट सी ए 1986 मॉडल करोला प्रोजेक्ट ऑन दिस चैनल, बट यू विल सी अ वेरी ब्यूटिफुल K70 नाउ। तो ये देखें गाइस, K70 आपके सामने है, आपने पिछले दिनों इसको देखा था चैनल पे, उस वक्त इसके बैटरी ब्रैकेट और इस तरह के सारे काम हो रहे थे, मैंने आपको अपडेट तो नहीं दी, बैटरी ब्रैकेट भी लग गया है एंड साइड व्यू मिरर्स भी इसके लग गए हैं। अब यहाँ पर ये गाड़ी आई हुई है, देखें आप इंटीरियर में भी देखें, यहाँ पर लुक वगैरह सारी कंप्लीट लगी हुई है। ये गाड़ी यहाँ पर इस वजह से आई हुई है क्योंकि यहाँ पर इसकी वायरिंग का काम होना है, आप देख सकते हैं तारों का काफ़ी खिलारा है, वो आप देख रहे हैं, बकेट सीट्स की भी फिटिंग वगैरह सारी बन गई हुई है।
तो मेरे एंड पे जो काम थे एटलीस्ट वो फिलहाल हो गए हैं कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं तारें नई भी पड़ी हुई हैं और सामने हमारे इलेक्ट्रिशियन भी लगे हुए हैं, तारों पे काम कर रहे हैं। अभी गाड़ी की फ्रंट की वायरिंग हो रही है कंप्लीट, गाड़ी की बॉडी रीवायर हो रही है, इंजन की वायरिंग ओके थी हर लिहाज से तो इंजन वायरिंग को नहीं छेड़ रहे, लेकिन बॉडी वायरिंग सारी दोबारा हो रही है। ये जो वायर लूम है ये इंजन वायरिंग है, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। फैजी भाई लगे हुए हैं अभी यहाँ पर हेडलाइट्स इशारों वगैरह की तारें निकाल रहे हैं, पाइपें वगैरह लगा के सारा कुछ अच्छे निज़ाम बेहतरीन सीन्स इसके इंशाल्लाह करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं तारों का बहुत खिला रहा था, टिका के तारें गाड़ी के अंदर फैली हुई हैं जगह जगह, पुरानी वायरिंग बहुत बुरी हालत में थी। ये देखें अभी फ्रेश तार हम चूज़ करके लाए हैं, दो डिफरेंट कलर्स में लेके आए हैं, ब्लैक वाली ज़रा पतली है, ग्रे वाली ज़रा मोटी तार है। यहाँ पर हमारे गेजेस वगैरह पड़े हैं, गेजेस की वायरिंग भी हम साथ ही करा रहे हैं, एक ग्रेडी का है, दो डेफी की गेजेस हैं। खैर अलग अलग चीज़ें बताते हैं, वाटर टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। ये वाटर टेम्परेचर गेज है, इसके लिए अभी हमने ब्रैकेट भी लाना है कुछ देर में, वो ब्रैकेट में लगेगा, अच्छे तरीके से सारा निज़ाम इसका करेंगे। तो चल रहा है गाड़ी की वायरिंग शायरिंग का सारा सिस्टम चल रहा है। एंड ये साइड व्यू मिरर भी आप देख सकते हैं पेंट शेंट करा के, ये भी फिटिंग हमने बना दी है। काफ़ी काम गाड़ी का हो गया, यानी बाहर से एक्सटीरियर का, वायरिंग वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि घर पे खड़ी खड़ी गाड़ी की तारें जुड़ गई थी। पीछे हमने एग्जॉस्ट भी इसका चेंज कराया, इवन दो आपको शायद उस तरह डिफरेंस ना नज़र आए, बट ये वाला एग्जॉस्ट ज़रा बड़ा है, इसका साउंड बड़ा स्वीट है पिछले एग्जॉस्ट के कंपैरिजन में। आगे से ज़रा स्ट्रेट पाइप भी सेट कराई है तो साउंड बड़ा फिट है, आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बताया था यार, वो जो हमारे गेजेस हैं उनके साथ हमारे सेंसर्स वगैरह लगने हैं, जो टेम्परेचर सेंसर आपको दिखाया था वो इसके अंदर लगेगा इस स्लीव में, एंड ये हमारा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर भी है। इसका गेज वगैरह तो नहीं होता, ये आगे से ही हम इसको एडजस्ट करते हैं फ्यूल प्रेशर को। ये हमारा ऑयल प्रेशर और ऑयल टेम्परेचर का पीछे ब्रैकेट आता है वो है। तो बड़ी चीज़ें, बड़ा कुछ है, डब्बे शब्बे गाड़ी के अंदर काफ़ी गर्म है, क्या करें जब गाड़ी तैयार हो रही होती है तो इस तरह गंद शंद होता ही है, बट कोई नहीं अब आ गई है तो यहाँ से हमने वायरिंग ऐसी नीट एंड क्लीन करा के जानी है कि मज़ा आ जाए जिस बात का। अभी फ्रंट शो भी इसकी उतरी हुई है, उसकी भी फिटिंग वगैरह करनी है, फिटिंग वगैरह करके आपको दिखाएंगे, गाड़ी की बड़ी खूबसूरत लुक है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, थोड़ी सी तार हमें और चाहिए, कल जो हम तारें लेके आए हैं वो ज़रा पड़ गई हैं शॉर्ट, तो अब आपको दिखाते हैं हम तारें कहाँ से परचेज कर रहे हैं। तो ये देखें यार, तारों के ढेर लगे हुए हैं, फुल LG TV HD माहौल, अलग अलग तरह की तारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी हम यहाँ पर लेने आए हैं ये एक ज़रा मोटी किस्म की तार, ये ज़रा सी पतली है, इससे ज़रा हमें मोटी तार चाहिए। ये हमारी बेसिकली बैटरी से जो पावर पीछे तक लेके आएगी उस तरह की हमने तार लेनी है। जो हमारे पास काली तार थी और जो हमारे पास ग्रे तार थी वो भी थोड़ी कम पड़ गई है, वो भी हम थोड़ी थोड़ी और लेके जा रहे हैं। यहाँ की मज़े की बात क्या है, यहाँ पर ये वज़न तोल के आपको तार देते हैं, ना के गज़ नाप के, गज़ के हिसाब से आपको लोकल शॉप से मिलती हैं, बड़ी महंगी मिलती हैं यहाँ पर, क्योंकि वज़न तोल के आपको ठीक ठाक मिल जाती है और वो ना बेहतरीन सा निज़ाम हो जाता है। तकरीबन हम 2 किलो तार लेके गए हैं इनसे, और 2 किलो तार सारी गाड़ी के अंदर लगनी है और समझ भी नहीं आती कहाँ गई इतनी तारें। तो रात का टाइम हो गया, गाड़ी की फ्रंट की वायरिंग सारी कंप्लीट हो गई, गाड़ी के अंदर से सारा खिलारा शलारा निकल गया जो पुरानी तारों का था, नई तारें भी हम ले आए हैं, गेजेस के साथ सारा जो सामान लगना था परफॉर्मेंस का, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, इस तरह की छोटी छोटी सारे ब्रैकेट, सारे सेंसर्स, वो सारा कुछ लग गया। और जो काम हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, सादा सा नहीं हो रहा जैसे टेपें करके तारें लगा देते हैं, प्रॉपर हीट स्लीव्स लग रहे हैं, जहाँ पर ग्रिप्स लगने हैं वहाँ पर ग्रिप्स लग रहे हैं। अभी अंधेरे में तो उस तरह आपको शायद वो चीज़ ना नज़र आए, बट काम जो हो रहा है मेयार का हो रहा है, एंड क्योंकि नाइटमेयर ऑटोज़ के पास गाड़ी आ गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल ही होगा। तो नाउ इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं वापस आ गया हूँ एंड मैंने देखा कि इलेक्ट्रिशियन ऑलरेडी काम पे लगे हुए थे। तो जो मैं आपको रात को बात बता रहा था कि यार तारों के ऊपर टेप ही नहीं लगी हुई, हीट स्लीव्स लगी हुई हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, देर आर नो टेप्स, हीट स्लीव्स लगी हुई हैं, और यानी इंशाल्लाह सारी वायरिंग इस तरीके से होगी और बहुत अच्छा काम होगा। ये एक तार टेम्परेरी लगी हुई है, ये चेंज हो जानी है, वैसे ये मेरे ख्याल है पुरानी लगी हुई है, नई सारी वायरिंग के ऊपर हीट स्लीव्स हैं। एनीवेज बैटरी ब्रैकेट तगड़ा हो गया, ये हमारे छत के ऊपर वो ब्रैकेट्स पड़े हैं, ये क्लस्टर पड़ा है बड़ा खूबसूरत लाल रंग का क्लस्टर है, और ये है हमारी हीट स्लीव, इसको हीट करते हैं तो ये बिल्कुल जुड़ जाती है तार के साथ, तो बड़ा फिट सीन हो जाता है। एनीवेज लगे हुए हैं, काम चल रहे हैं, एंड ये देखें डैशबोर्ड भी अंदर उतार दिया, सारा कुछ खोल दिया। तो ये पुरानी वायरिंग जो थोड़ी बहुत भी रह गई है ये भी हमने उतार देनी है इंशाल्लाह सून,
वो देखें पीछे सारा खिलारा तारों का, इतना गुंजल था ना कि समझ से बाहर है, बेतुकी तारें डली हुई थी गाड़ी के अंदर। खैर शुक्र है वो सारा मैस निकला इसके अंदर से। अब हम नए सिरे से अच्छे तरीके से जो जो नेसेसरी वायरिंग है वो सारी करेंगे। इशारे हो गए, लाइट्स हो गई, क्लस्टर्स, गेजेस वगैरह सब इसके अंदर चलेगा। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर वायरिंग वाला सीन चल रहा है। वो पीछे डैशबोर्ड पड़ा है, डैशबोर्ड के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत वायर्स हैं बट आई डोंट थिंक दे नीड टू बी रिमूव्ड। एक हमारी ये टेप शेप लगी है, कुछ ये ग्रिप्स हैं। खैर ये सारा कुछ देख लेंगे इसका क्या करते हैं। अभी पीछे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन अभी कर क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया नेक्स्ट लेवल काम होना है। वो देखें स्कीमेटिक सामने खुली है और स्कीमेटिक देख के क्लस्टर की वायरिंग हो रही है। अब एक एक तार प्रॉपर कौन से नंबर पे किधर आ रही है वो सारी वायरिंग उस हिसाब से होगी। और थोड़ी देर में आपको क्लस्टर दिखाते हैं ऑन करा के। तो यार देखें मैं बैठा हूँ, देखें बात ये है कि इस चीज़ का नॉलेज ना हो तो कोई ले मैन जाए वो ख्वार हो जाता है ये काम कराते कराते। वहाँ पीछे काम हो रहे हैं, सुपरवाइज कर रहा हूँ, जहाँ पर कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ अननेसेसरी या नेसेसरी है, ये सारा डिसीजन मैंने लेना है। इन दी एंड क्लाइंट को बजट बता देना कि इतना लग रहा है, इतने में सारी गाड़ी की वायरिंग हो रही है। मैं बैठा हूँ कोई मसला नहीं है, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इस तरह का काम। इन दी एंड जब यहाँ से गाड़ी निकलनी है तो वायरिंग का मज़ा आ जाना है इंशाल्लाह। तो अभी बाहर जाता हूँ, मैं आपको बाहर के कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ, और भी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। ये देखें ये K70 आई है, अभी इसका इंजन आज सुबह ही निकला है, इसके अंदर से 4K इंजन निकला है। कह रहे हैं इसके अंदर या 2JZ स्वाप करना है या 1G बीम स्वाप करना है। जब इसका इंजन स्वाप होगा तो मैं तब भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर इंजन स्वाप्स वगैरह वाला सारा काम होता है। और बहुत बेहतरीन ये जो 2JZ रखा हुआ है इस K70 में वो भी इधर ही रखा है। सामने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ खड़ी है, BMW नहीं एक और चीज़ खड़ी है, और वो मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखें यार ये जो सड़क के उस साइड पे खड़ा है, मेरा ख्याल है 17 के रिम्स हैं ऑन अ KE20। एंड इतने बड़े रिम्स इस गाड़ी के ऊपर फिट करने का मकसद ये है कि इसके अंदर एक चीज़ बड़ी बलासी पड़ी है, इंटीरियर सारा इसका खुला हुआ है। अब मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि चीज़ क्या है इस गाड़ी के अंदर ऐसी जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये देख के। एंड वो ये है माशाल्लाह, गाड़ी के अंदर 4GR फिट कर रहे हैं। और यहाँ पर गाड़ी पता है क्यों खड़ी है, इसके अंदर AC की फिटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं रेडिएटर कितना ब्यूटीफुली इन्होंने सारा एरिया बना के उसके अंदर रेडिएटर रखा है। इंजन की फिटिंग इतनी टाइट सी स्पेस में उन्होंने फिट किया है, यार एक तो व्हील्स पे दिल आ जाता है, इतने बार आ रहे हैं वाइड बॉडी प्रॉपर तरीके से ये गाड़ी जब होगी एंड एक दफ़ा ये गाड़ी जब निकलेगी तो इसका मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये भी जब प्रोजेक्ट रेडी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम वापस चलते हैं K70 की तरफ। तो अभी बाहर की तो सारी वायरिंग हो गई, अंदर की भी तकरीबन हो गई है, सारी तारें अंदर डाल गई हैं, क्लस्टर वगैरह की वायरिंग हो गई है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी सी ये हमारे पास अभी ग्रे तार पड़ी है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लगनी होगी। वो देखें ये जो ब्लू तार आ रही है ये बेसिकली अंदर सारी एक्सेसरीज हमारे फ्यूज़ बॉक्स तक आएगी, उसको पावर करेगी। एंड अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, चेक करें यार माशाल्लाह कितना खूबसूरत क्लस्टर है। ये भी तार ऊपर चला गया, बोगस रीडिंग दे रहा है, जब स्पीड सेंसर वगैरह सब कनेक्ट हो जाएगा तो प्रॉपर रीडिंग्स देगा। RPM वगैरह सारा कुछ इसका बड़ा खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत लगेगा ये मीटर गाड़ी में। बट ये है कि इस तरह का मीटर चलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, कोई मसला नहीं, सारे गेजेस वगैरह जब प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होंगे तो क्यों नहीं चलेगा, सब इंशाल्लाह देखेंगे और सारे मसले विद टाइम रिजॉल्व भी करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मीटर की लाइट्स वगैरह, मीटर की सारी वायरिंग एंड वो ग्रिप वगैरह वो सब लग गए। ये गेज के भी ग्रिप्स आपको नज़र आ रहे हैं पीछे, इनके ऊपर बस गेजेस कनेक्ट करके आपने पावर देनी है, तो गेजेस भी हमारे ऑन हो जाएंगे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि एक दो बार डैशबोर्ड फिट हो जाएगा उसके बाद गेजेस की असल खूबसूरती सामने आएगी। बट एज ऑफ नाउ मैं काम से काफ़ी मुतमईन हूँ। तो एनीवेज मैंने आपको अंदर से दूसरी साइड से तो दिखा दिया, वहाँ पर ऐसा जो उस तरह वायरिंग होनी भी नहीं थी, वायरिंग सारी इसी साइड से होनी है और इसी साइड से आगे भी जानी है। तो ये अभी हमारे लगे हुए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, बट शुगल मेला भी लगता रहता है लेकिन काम को क्लोजली सुपरवाइज भी करना होता है। देखें यार अभी तो आपको डर लग रहा होगा ये तारों का गुंजल देखते हुए, लेकिन पिछला जो गुंजल था ना उसका ना सर था ना पैर था। अभी तो कम से कम ये पता चल रहा है कि तारें कहाँ से आ रही हैं, किधर जा रही हैं। काम तकरीबन हमारा वायरिंग का इधर कंप्लीट होने लगा, तो उसके बाद इन्होंने तारों को सारा कवर कर देना है, और फिर क्योंकि रात बहुत हो गई है हम यहाँ से निकलने लगे हैं, तो वायरिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। एंड मैं बड़ा थक गया हूँ, सुबह से लगे हुए थे,
ये सारा निज़ाम सब कुछ करना। द कार इज रनिंग अगेन। पहले तो तारें ऐसी जुड़ गई थी कि गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, बट फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है एंड इंशाल्लाह यहाँ से हमने निकलना है। तो घर जाके मैं अब आउटरो फिल्म करता हूँ। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग डे लेकिन फिट काम हो गए। अस्सलाम वालेकुम। कल रात हम गाड़ी ले आए थे बिलालगंज से, वायरिंग उसकी कंप्लीट हो गई थी, बट एज़ यू नो मॉडिफाइड कार्स हैं एंड कुछ मिसमैच वगैरह चल रहा था उसके सिलेंडर वगैरह इस तरह की चीज़ों में। तो एंड जो गेज क्लस्टर बड़ा खूबसूरत सा आपको दिखाया था उसके अंदर कुछ मिसमैच चल रहा था। इट डिड नॉट फंक्शन एज वी वांटेड इट टू। उसकी वायरिंग वगैरह सारी एक्यूरेट थी बट आगे से जो रीडिंग्स आ रही थी वो नहीं मैच हो सकी। एक उसका स्पीड सेंसर नहीं था गाड़ी के अंदर, मैंने जिक्र किया था तो ओनर ने कहा नहीं स्पीड सेंसर लगा हुआ है, बट फाइनली व्हेन वी इंस्टॉल्ड द मीटर एंड एवरीथिंग तो पता चला कि उसके अंदर भी कोई इशू है। तो गेज क्लस्टर सही तरह नहीं चला, बट अदर देन दैट गाड़ी की वायरिंग कंप्लीट हो गई बेहतरीन किस्म की एंड इतनी यानी इतना गुंजल गाड़ी के अंदर से तारों का निकला है कि आपकी सोच है। तो अब बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी वायरिंग है, वो मैं अब आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि गाड़ी मैं ओनर के घर छोड़ आया हूँ। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दैट आपको दिखाएंगे वायरिंग का काम कैसा हुआ है। बट आपने बाकी सारी वीडियो में तो देखा ही है कि यार हमने हीट रैप कराया, यानी हमने सारी तारों के ऊपर हीट श्रिंक वगैरह लगवाए, टेपें शेपें जितनी काम हो सकती थी लगी, कॉन्डोइट्स अच्छे तरीके से लगे, पाइप्स वगैरह से सब कवर किया, प्रॉपर जहाँ ग्रिप लगना है वहाँ ग्रिप लगाए। तो वी मेड श्योर कि अब जो वायरिंग हुई है वो गाड़ी की वायरिंग हुई है वो ऐसी हो कि आखिरी दफ़ा इस गाड़ी की वायरिंग हो सारी फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। क्योंकि यार बात ये कि जब एक दफ़ा वायरिंग का काम होता है उसके बाद ना जुगाड़ बहुत लोग दरमियान में लगा देते हैं जिसकी वजह से ख़राब होती है, बट नाउ वील ट्राई कि इसके अंदर मज़ीद कभी जुगाड़ ना लगे। तो विद ऑल दैट सेड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दैट ब्यूटीफुल KE20। यार बहुत कमाल 4G यार, एक तो उसने सारा इंजन बे उसका कवर कर लिया था, हैड टू एक्सटेंड द फ्रंट लिटिल फॉर द रेडिएटर एंड मज़े की बात यह है अभी वहाँ पर वो गाड़ी AC के लिए खड़ी थी, इतनी हाई परफॉर्मेंस कार और उसके बाद उसमें AC भी हो, कमाल ही हो जाना। तो मेक श्योर टू कीप वॉचिंग द चैनल फॉर मोर अमेजिंग बिल्ड्स एंड मोर अमेजिंग वीडियोज़ लाइक दिस। खैर विद ऑल दैट सेड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।